हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप यू आर वेल। आई एम कमलिन द टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट एंड फाउंडर ऑफ लास्ट कॉइन इन्वेस्टमेंट। टुडे वी विल डू चार्ट एनालिसिस ऑफ जिंक एंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किस पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, कहां पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस रह सकते हैं, कहां पर सपोर्ट जोन एंड रेसिस्टेंस जोन बन रहा है। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। मैं आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियोज लेकर के आने वाला हूँ, जिनको देख करके आप टेक्निकल चार्ट एनालिसिस सीख सकते हो, प्लस अपनी पोजीशंस एंड पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, आई हैव सिलेक्टेड डेली चार्ट एंड जो मैंने ड्यूरेशन ली हुई है वो ली हुई है 5/2021 से लेकर के अभी तक की। एंड यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन क्लियरली कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑलरेडी पहले ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। एंड मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने चार्ट लिया वो LME चार्ट लिए हुए हैं एंड 3 मंथ का प्राइस है ये जिंक का, एंड जो प्राइस है वो डॉलर में है 3119.80 एज ऑफ नाउ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 4600 ट्रेड कर रहा था, और कब कर रहा था? April 2022 में। उसके बाद डाउनफॉल 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 डाउनफॉल। जो लोग टेक्निकल चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं या जो लोग मेरी कंटिन्यूअसली वीडियोस देख रहे हैं तो उनको देखने से आइडेंटिफाई हो गया। ये देखिए, ये एक डाउनवर्ड स्लोप ट्रेंड लाइन है एंड ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है। आपको पैटर्न क्लियर हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहां पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है एंड पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से बिल्कुल यहां पर क्लोज, बिल्कुल ही क्लोज ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी तक। काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है यहां पर, अगर जिंक की बात करोगे तो 3117.80 पर। मैं आप लोगों को एक और पैटर्न इसमें बता देता हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। ये देखिए, आप यहां पर देखिए प्लीज, दिस वन दिस वन दिस वन, कितना प्यारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये शोल्डर हेड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ एज ऑफ नाउ जिंक में, एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ऑन द बॉटम साइड में 2800 के लेवल्स को काफी टाइम से एज ए स्पोर्ट जोन काम कर रहा है एंड ब्रेकआउट हुआ जरूर था बट वहां से डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। मैं हो सकता है कोई ऐसी न्यूज आई हो जिसकी वजह से डाउन साइड गया बट उसका इम्पैक्ट जल्दी खत्म हो गया, तो यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिला है। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, अभी मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाने वाला हूँ तो ये भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इसके टारगेट सेट करेंगे कि क्या इसमें टारगेट हो सकते हैं। कंफ्यूज मत होना क्योंकि काफी पैटर्न बन रहे हैं जिंक में, सिर्फ समझने की कोशिश करना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, दिस इज माई थर्ड पैटर्न इन जिंक चार्ट, ये देखिए। एंड ये कौन सा पैटर्न है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जो अगर लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है। तो यहां पर 2 बुलिश पैटर्न बन रहे हैं और 1 बियरिश पैटर्न बन रहा है। पैटर्न कौन सा बन रहा है? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। बट अगर यहां पर ब्रेकआउट हो जाता है तो विद हैवी वॉल्यूम के साथ हमें काफी अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफी लॉन्ग टाइम से होल्ड किया हुआ है ये लेवल्स को, और जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आप ये स्टॉप लॉस मान लीजिए या इसको रेजिस्टेंस जोन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। एक नजर इसके इंडिकेटर्स पर डाल लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसके टारगेट बताता हूँ कि अगर अपसाइड में क्या ब्रेकआउट होता है और क्या टारगेट रहेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर आप भी अपने किसी फेवरेट स्टॉक या कमोडिटी पर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो एज ऑफ नाउ अगर MACD की बात करोगे तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन को क्रॉस किया हुआ है एंड सिग्नल लाइन से अबव ट्रेड कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो वी कैन एक्सपेक्ट बुलिश मूव। एंड अगर RSI की बात करोगे तो RSI हेड्स डाउन बट 61% पर ट्रेड कर रहा है। सपोज करो यहाँ से 70 भी टच करेगा तो इजिली यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इन केस यहां से ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें काफी अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अभी इसके टारगेट फाइंड आउट करते हैं कि अगर यहां से ब्रेकआउट होता है
तो क्या टारगेट हो सकते हैं। तो बिल्कुल जो लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा एंड इन लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑन द अपर साइड, ऑन द अपर साइड ये कौन से लेवल्स हैं, 3180। आप इसको स्टॉप लॉस, जिन लोगों ने सेल किया हुआ है उनके लिए स्टॉप लॉस है, जिन्होंने बाय किया हुआ है अगर 3180 से अबव ट्रेड करता है जिंक, मान ले 3200 ले लीजिए यहाँ पर, तो टारगेट बहुत बड़े रहने वाले हैं। मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो यहां पर आप लोगों ने कौन सा पैटर्न देखा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये देखिए ऑन द बॉटम साइड में मैं आप लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंगली टारगेट बताता हूँ। तो ये जो डेप्थ है इसकी हेड की, तो वो हमारे टारगेट रहते हैं ऑन द अपर साइड में 3180। ऑन द बॉटम साइड की बात करोगे तो ये कौन से लेवल्स हैं, 2620। तो ये अपने कितना हो गया, अगर इसकी बात करोगे तो 560। आई एम राइट, जो ये डेप्थ होगी इसकी ये होगी 560। अगर हमारा 3180 यहाँ पर ब्रेकआउट होता है एंड जिसकी डेप्थ मैंने अभी कैलकुलेट किया है 560, तो अगर 560 में इसको एड ऑन करोगे तो 3740 क्या रहेगा हमारा टारगेट अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो वी कैन एक्सपेक्ट 3740। एंड ये देखिए, ये अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस वन, यहाँ पर डायरेक्ट। ये देखिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो ऑन द अपर साइड में आप 3700 के टारगेट ले सकते हो। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिला था, शॉर्ट टर्म में असेंडिंग ट्रायंगल प्लस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन केस यहाँ पर स्ट्रोंग जोन है 3180, यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 37 के टारगेट रहेंगे। ऑन द बॉटम साइड ये लेवल्स, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिएगा एंड ये लेवल्स कौन से हैं, 3000 के। अगर 3000 से बिलो ट्रेड करता है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, बट जब तक डाउनवर्ड स्लोप ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है तो तब तक हम बुलिश नहीं है इसमें, बट जैसे ही यहां से ब्रेकआउट होता है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा एंड टारगेट रहेगा 3700। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।